तो वहीं छतरपुर जिले के मादगुआ थाना क्षेत्र में 24 मार्च को दो व्यापारियों के साथ कट्टे की नोक पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर लिया। पुलिस के अनुसार वारदात को 6 लुटेरों ने अंजाम दिया था, जिसमें से 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 2.25 किलो चांदी और लूट में उपयोग किया गया हथियार भी जब्त कर लिया गया है। वहीं इस लूट का खुलासा करते हुए SP अगम जैन ने बताया कि थाना मादगुआ क्षेत्र के अंतर्गत हुई इस घटना से व्यापारियों में काफी नाराजगी थी और पुलिस पर भी इसे जल्दी हल करने का दबाव था। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। 24 मार्च को एक घटना हुई थी दो व्यापारियों के साथ, जो अनगौर के रहने वाले थे, बरदोहा का मार्केट करके शाम को वापस लौट रहे थे और कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट करके लूट की घटना की थी। तो उसके संबंध में हमारी टीम SDOP बिजनौर और मादगुआ थाना प्रभारी के अंतर्गत पूरी टीम लगी रही और आज हम उस घटना का खुलासा कर रहे हैं। उसमें अभी जो 4 आरोपी हैं उनकी अरेस्टिंग हो गई है। 4 आरोपियों के साथ में लगभग 2.25 किलो चांदी और मोटरसाइकिल जो उन्होंने घटना में प्रयुक्त की है और कट्टा जो 315 बोर का था, ये अभी हमने जब्त किया है। अभी कुछ आरोपियों की अरेस्टिंग होना बाकी है, हमारी टीम लगी हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम उनकी अरेस्टिंग करके बाकी जो बचा हुआ बची हुई संपत्ति है उसको भी जब्त करने में सफल रहेंगे।